आखिरकार वो घड़ी पास आ ही गई जिसका क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला आज खेला जाना है, जिसके लिए दोनों ही टीमों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस महामुकाबले को लेकर सोशल मीडिया पर अलग क्रेज देखने को मिल रहा है। कुछ यूजर्स ने तो मैच के शुरू होने से पहले ही मीम्स शेयर करने लगे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ मजेदार और फनी मीम्स। एक यूजर ने एक फोटो शेयर किया जिस पर एक कैप्शन लिखा, पाकिस्तानियों की टीवी मत तोड़ देना अपने। वहीं एक यूजर ने एक मीम शेयर किया जिसमें एक लड़का एक लड़की को देखता हुआ नजर आ रहा है और सीटी बजा रहा है, और लड़की की टी शर्ट पर लिखा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बाकी टीमें यानी एक लड़की उसे देखकर बड़ी हैरानी में है और वो लड़का है बीसीसीआई। वहीं एक यूजर ने एक बच्चे की फोटो शेयर की और उसको दिखाते हुए लिखा कि पाकिस्तानी बॉलर्स व्हेन कोहली केम इन बैटिंग, जब कोहली बैटिंग पर आएंगे तो पाकिस्तानी बॉलर्स की क्या हालत होगी। वहीं एक और यूजर ने जय शाह का फोटो शेयर करते हुए लिखा, एंटरटेनमेंट में कोई कमी रही हो तो बताओ। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि घबराना नहीं है आपको, और पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की फोटो शेयर की है। वहीं एक और यूजर ने ट्विटर पर एक मीम शेयर किया जिसमें अहमदाबाद के सीन्स दिखाए गए, फैंस प्रिपेयरिंग टू लिसन टू नेहा कक्कर, रिजवान प्रैक्टिसिंग टू अपील ऑन एवरी बॉल, बाबर ईटिंग ढोकला इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग, युवराज शुभमन गिल को मोटिवेट करते नजर आ रहे हैं कि भाई डेंगू में भी खेलना है आपको। वहीं एक और यूजर ने लिखा मीम शेयर करते हुए, निकले थे अकेले अहमदाबाद के लिए, रास्ते में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुसाफिर मिलने लगे। वहीं एक और यूजर ने लिखा, व्हेन द मैच इज अगेंस्ट पाकिस्तान एंड दैट टू इन अहमदाबाद, शुभमन गिल्स की प्लेटलेट्स, दिस इज स्पार्टा। वहीं आपको बता दें मैच के दिन खिलाड़ियों की एंट्री स्टेडियम में करीब 10:30 पर हो जाएगी। इस दौरान वो ड्रेसिंग रूम में जाएंगे और उसके बाद मैच से पहले की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा दर्शकों को ये हिदायत दी गई है कि वो मैच के शुरू होने से कम 2 घंटे पहले स्टेडियम में एंट्री ले लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।